अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हमारा जो सैलून सीक्रेट स्किन पॉलिश है उसके हवाले से बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो प्रोडक्ट्स की डिटेल देख लें। ये इतना सारा सामान होता है तब हमारे सैलून में जो है वो स्किन पॉलिश होती है। अब मैं आपको प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखें ये रोज़ वाटर है, ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश, क्लेंज़र, मास्क, वाइटनिंग पाउडर, ब्लीच पाउडर, वाइटनिंग कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल, 20 वॉल्यूम, सूथिंग, शाइनर, ऑक्सीग्लॉस और वाइटनिंग बूस्टर, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये हमारी क्लाइंट है। ये आप एक अपने जहन में इमेजिन करें कि ये क्लाइंट है, और आप फोकस उस वक्त किया करें क्लाइंट की पॉलिशिंग बनाने से पहले कि उसकी डिज़ायर्ड आपको क्या विश पूरी करनी है। देखें, अगर किसी के फेस पे इस तरह के हेयर्स हैं जो आपके फेस के कलर को डार्क कर रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है कि इस हेयर को हमने ब्लीच के थ्रू जो है वो गोल्डन करना होता है या लाइट करना होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन का कलर हमें फेयर दिखता है। और अगर किसी की स्किन पे ये हेयर नहीं है तो आप इसकी स्किन के हिसाब से उसकी जो पॉलिशिंग है उसको माइल्ड बनाएंगे। यानी कि अभी मैं आपको जब प्रोडक्ट बना रही होंगी तो बताऊंगी कि कौन सी स्किन पे क्या डालना है और कौन सी स्किन पे क्या नहीं डालना। तो अभी मेरी जो क्लाइंट है उसकी स्किन पे आप देखें कि एक्नी के स्कार्स हैं, फेस काफ़ी डल हुआ हुआ है, हेयर सारे जो है वो बिल्कुल फेस के कलर को जो है ख़राब कर रहे हैं। और फेस को अभी मेरे हिसाब से ज़रूरत है कि इनको प्रॉपर स्किन पॉलिश दी जाए और प्रॉपर इनके फेस पे रिज़ल्ट नज़र आए। ये हमारा पेशेंट जो हमारे पास है उसको हमने आपको दिखा दिया। अब ऐसी स्किन पे कौन सी स्किन पॉलिश हमने बनानी है उसका मेथड हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने आपको फेस दिखा दिया, प्रोडक्ट्स भी मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी। अब आप मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने कि दो टाइप्स की स्किन है, एक हमारे पास सेंसिटिव स्किन है, एक हमारे पास नॉर्मल स्किन है। जब हमारे पास सेंसिटिव स्किन वाला क्लाइंट होगा तो उसके अंदर हम ये जो मैजिक ब्लॉन्ड जो ब्लू कलर का पाउडर होता है, जिसको ब्लीच पाउडर, सबको ही पता होगा कि मैजिक ब्लॉन्ड जो है वो ब्लू पाउडर होता है, वो हम सेंसिटिव स्किन में यूज़ नहीं करेंगे। और 20 वॉल्यूम जो डेवलपर है वो भी हम सेंसिटिव स्किन में नहीं डालेंगे। जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है उसमें भी ये चीज़ यूज़ नहीं होगी और सेंसिटिव में भी अवॉइड करेंगे। और जो अभी हमारे पास हमारा क्लाइंट है वो नॉर्मल स्किन है और उसको नीड भी है, तो अभी हम अपनी पॉलिशिंग का जो बनाने का मेथड है उसमें हम ये भी यूज़ करेंगे और ये भी यूज़ करेंगे। जब हम नॉर्मल स्किन की पॉलिशिंग बनाएंगे तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, और जब सेंसिटिव बनाएंगे तो ब्लीचिंग का जो वाइटनिंग पाउडर है और जो वाइटनिंग बूस्टर है, ये वाइटनिंग बूस्टर जो है सिर्फ सॉफ्ट टच में ही आता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये दो चीज़ें हमारी सेंसिटिव स्किन में यूज़ होंगी, और ये वाला पाउडर और ये वाला डेवलपर हमारा नॉर्मल स्किन में यूज़ होगा। अब हम पॉलिशिंग बनाते हैं। पॉलिशिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको पहले गौर से देख लें कि हमने ये एक जो है हाफ टी स्पून वाला चम्मच अपने पास रखा होता है कि हर एक की एक मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट हो। तो मेरे पास अभी नॉर्मल स्किन है तो मैं ये मैजिक ब्लॉन्ड जो पाउडर है ये हाफ टी स्पून लूँगी। ठीक है, ये इतना पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जितना मैंने पाउडर डाला है उसका डबल रेशो जो है वो मैं 20 वॉल्यूम लूँगी। देखें, अगर आपने ज़्यादा बनानी है और आप टू टी स्पून जो है वो ये वाले जो हैं आप पाउडर डाल रही हैं तो चार आपने डेवलपर डालने। अगर आपने एक डाला है तो आपने दो जो ये चम्मच हैं ये आपने डेवलपर के डालने। 1:2 के रेशो से हम पॉलिशिंग का ये दोनों चीज़ों का मेजरमेंट रखेंगे। ये दो चीज़ें ऐड हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे वाइटनिंग का कैप्सूल। ठीक, और एक हमारे पास ये विटामिन ई का कैप्सूल है। अगर स्किन ड्राई होगी तो विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे, अगर ड्राई नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। अब मौसम जो है वो चेंज हो गया, गर्मियाँ शुरू हो गई, तो मुझे विटामिन ई कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर दो चीज़ों के बाद तीसरी जो चीज़ ऐड कर रही हूँ वो ये वाइटनिंग का कैप्सूल है। इसको थोड़ा सा किनारे से काट लें, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये इसके अंदर पूरा आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, ये तो हमारी ब्लीच हो गई। अब इसको हम पॉलिश कैसे बनाते हैं? पॉलिश में जब तीन चार चीज़ें ऐड होती हैं तो वो क्या होता है, पॉलिशिंग हमारा बनता है। ये ऑक्सीग्लॉस है, ये डर्माकॉस का है। अच्छा, ऑक्सीग्लॉस भी हमने इसमें यही वाला चम्मच जो है वो
एक चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इसको थोड़ा आहिस्ता से निकालेंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें आपने एक चम्मच ये डाल दिया। स्किन शाइनर भी हमने, ये जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ना, ये हमारी ब्लीच को बना रहा है पॉलिशिंग। जो अक्सर कहते हैं ना कि हम ब्लीच नहीं करवाते, हम पॉलिशिंग करवाते हैं, पॉलिशिंग वो यही होता है। और यही एक चम्मच हमने सूथिंग लोशन का डालना है। ये सारी चीज़ें हमारी डल गई, सिर्फ हमने इसमें जो है वो वाइटनिंग का पाउडर और वाइटनिंग का बूस्टर ऐड नहीं किया। ये हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास स्किन सेंसिटिव होगी, और इसको करेंगे तो हम ब्लीच पाउडर को और 20 वॉल्यूम को स्किप कर देंगे। ये आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें डलने के बाद इसको हम ब्रश के साथ मिक्स करेंगे पूरा 1 मिनट, के पाउडर के अंदर जो ज़र्रात हैं वो इन सारी चीज़ों के अंदर अच्छी तरह घुल जाए। इसको हम मिक्स करेंगे, ये नहीं कि 2 मिनट में मिक्स किया, आप एक एक पाउडर का जो ज़र्रा होता है उसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पूरा 1 मिनट का टाइम लगता है इसको मिक्स करने में। जब तक ये मिक्स होता है, हम आपको फेस की प्रिपरेशन करना दिखाते हैं कि पहले हमने फेस पे क्या करना है। हमने पॉलिशर बनाने के बाद फ़ौरन मुंह पे पॉलिशर नहीं लगाना, अपने स्किन को हमने पहले प्रेप करना है। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी स्किन के ऊपर जो है वो रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे, ठीक है। और फेस के ऊपर से एक दफ़ा इसको स्प्रे करने के बाद टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, या अगर हमारे किसी क्लाइंट ने मेकअप वगैरह लगाया हुआ है तो आप उसको मेकअप रिमूवर से अच्छी तरह से स्किन को क्लीन करेंगे। अभी इनकी स्किन पे कोई मेकअप नहीं है तो हम इसको पहले रोज़ वाटर से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम 2 से 3 मिनट का जो है इसके स्किन को फेस वॉश करेंगे, ठीक है। फेस वॉश को हम अपने हाथों में लेंगे और 3 to 4 स्टेप में फेस वॉश को अप्लाई करेंगे। फेस वॉश करने के स्ट्रोक हमेशा आपको छोटे छोटे रखने होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लिंजिंग वाले स्ट्रोक हमें नहीं करने होते। सिर्फ 2 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा हम फेस को वॉश करेंगे और फिर इसको हम स्पंज के साथ, पानी के साथ साफ़ कर देंगे। 2 मिनट की हमने इसकी फेस पे फेस वॉश किया, अब हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे फेस को। जिस पानी से आप फेस वॉश को साफ़ कर रहे होंगे उस पानी को आपने लाजमी चेंज करना है, और उसके बाद आपने फेस की क्लेंजिंग करनी है। को साफ़ करने के बाद एक दफ़ा हम दोबारा से पूरे फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे। दो मिनट के लिए फेस वॉश के बाद इसको हम छोड़ देंगे फेस पे रोज़ वाटर को, और उसके बाद 2 मिनट्स के बाद इसको टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे। फेस वॉश को जो साफ़ करने के बाद हमने रोज़ वाटर लगाया था उसको हम टैपिंग के थ्रू जो है फेस के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे। बहुत ज़्यादा रगड़ के हम चेहरे को साफ़ नहीं करेंगे, और इसको करने के बाद हम 5 मिनट की जो है फेस पर हम क्लिंजिंग करेंगे। ये डर्माकॉस का जो है फेस क्लिंजर, ये हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्लिंजिंग के लिए। इसके अंदर जो है वो आप हाथ ना डालिएगा, कोई भी ऐसा स्पैचुला हो उससे आप ये प्रोडक्ट ले लें। और ये इतनी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका जो है टेक्सचर ऐसा है कि ये ट्रिपल एक्शन की तरह थोड़ा सा पानी लगने से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने ये बहुत ज़्यादा भर के अगर हमने लगा दी तो इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हमने पूरे 5 मिनट की जो है वो क्लिंजिंग करनी है। क्लिंजिंग के स्टेप जो है वो आप एक दफ़ा देख लें, फिर वही स्टेप में बार बार करते हुए 5 मिनट की क्लिंजिंग करूँगी। और क्लिंजिंग करने से पहले भी मैं पूरे फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे कर देती हूँ ताकि ये क्लिंजर ड्राई ना हो, ठीक है। अब आप स्टेप देख लें, हमने नेक से शुरू करना है क्लिंजर हमारा।
अभी वीडियो में हम प्रॉपर नेक तो नहीं आपको बता सकते, लेकिन आपको एक तरीका बता देते हैं कि नेक से आपने क्लिंजिंग की शुरुआत करनी है। उसके बाद चिन, चिन के बाद अपर लिप। आपके फेस का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, और अपर लिप और चिन वाला एरिया अक्सर डार्क होता है और डिसकलरेशन होता है, तो इस पार्ट को तो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इस पार्ट को करते हुए आप आएंगे गालों पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लिंजिंग के बेसिक स्टेप हैं, नोज़, डार्क सर्कल, फॉरहेड। इसी तरीके से यही स्टेप करते हुए हम 5 मिनट की क्लिंजिंग करेंगे, उसके बाद इसको साफ करेंगे। हम अपने क्लिंजर को साफ करेंगे। अब हमारी बारी है स्किन पॉलिश जो भी हमने बनाया था उसको लगाने की। लगाने का तरीका बहुत मैटर करता है और बहुत मायने रखता है। अगर आपका पॉलिश लगाने का तरीका ठीक नहीं है तो भी आपके फेस पे वो रिज़ल्ट नहीं आते जो आपको चाहिए होते हैं। ये स्किन पॉलिश अभी हमने आपके सामने बनाई। हमेशा आप घर में खुद करें या किसी को भी करें, हमेशा नेक पे लगाएं, और नेक पे लगा के अपने क्लाइंट से एक सवाल पूछें कि आपको इचिंग तो नहीं हो रही। ये बहुत मेन बात है। अगर खुदा ना खास्ता किसी की स्किन एलर्जिक है या किसी को कोई मसला है पॉलिशिंग से, तो उसी वक्त वो आपको कह देगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप प्लीज़ इसको रिमूव कर दें। डायरेक्ट कभी भी मुंह पे ना लगाएं। और इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए आपने पहले ये जो हमारी साइड्स होती हैं इन साइड्स को कवर करना है, जहाँ हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चिन, अपर लिप्स और साइड्स। इस तरीके से आपने इस हिस्से को पूरा बैलेंसिंग कवर करना है। इसको कवर करने के बाद आपने चेक्स पे बिल्कुल लास्ट पे आना है। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे फॉरहेड के ऊपर। फॉरहेड हमारा हार्ड एरिया होता है और उस पर बाल भी होते हैं, और इसको आईब्रोज़ की शेप के साथ आपने लगाना है कि शेप से बहुत ज़्यादा दूर दूर लगाएंगे तो अगर स्किन का कलर इस पॉलिशिंग से फेयर होना होगा तो वो आपकी आईब्रोज़ के पास जो है स्किन काली रह जाएगी। ठीक है, इस साइड से इस फॉरहेड के बालों को मिक्स करते हुए हम अपना पॉलिशर लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी करेंगे, और आईब्रोज़ के बालों पर पॉलिशर नहीं लगना चाहिए। आईब्रोज़ के बाल बनना आपके जो है वो गोल्डन हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी सॉफ्ट पॉलिशर नहीं है, ये हमारी नॉर्मल वाली है और ये फ़ौरन बालों को गोल्डन कर देगी। इसके बाद हम आ जाते हैं नोज़ और अपर लिप्स पे। अभी हमने चिक्स को बिल्कुल 5 मिनट के लिए आखिर में लगाना है, और 5 मिनट मतलब सबसे लास्ट में लगाना है, और सबसे पहले उसको साफ कर देना है। अब हमारे अपर लिप्स एरिया, जहाँ हमारे बालों का ग्रोथ और जहाँ हमारे बाल ज़्यादा डार्क हैं उधर पॉलिशर की जो क्वांटिटी है उसको आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है। मतलब बिल्कुल पतली सी लेयर नहीं लगानी, इतना लगाना है कि आपका हेयर उस पॉलिशर से छुप जाए। अब हमारे पास आ गए हमारे चेक्स, जो हम बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे, यानी आखिर में, और आँखों के हलकों से काफ़ी दूर अपने पॉलिशर को स्टॉप करना है, बिल्कुल आईज़ के पास नहीं ले। इसको लगाकर हमने अपने क्लाइंट की आईज़ पे रोज़ वाटर के आई पैड रख देने, और जी बिल्कुल कानों को भी आपने नहीं छोड़ना, नेक और बैक नेक, ये सारा आपका पॉलिशर लगना चाहिए। डीप नेक भी क्लाइंट्स पहनते हैं तो वो सारे आपके इस पॉलिशर में कवर होंगे। इस तरह के कॉटन बॉल्स को आपने लेना है, उस पर रोज वाटर का स्प्रे करना है अच्छे तरीके से, और आईज़ पे जितनी देर पॉलिशर लगा हुआ है आईज़ पे अपने दोनों आँखों पर
रोज़ वाटर के जो पैड्स बनाने हैं वो आपने रख देने हैं, और अपनी घड़ी में टाइम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना है। पूरे 5 मिनट बाद हम ये चेक्स को रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। और जिस तरीके से हमने यहाँ से शुरू किया था, आखिर में यहाँ से वन वन स्टेप करते हुए रिमूव करते जाएंगे, और पॉलिशर हमारा जो रिज़ल्ट देगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हमने लगाना है मास्क। मास्क को तैयार कर लेते हैं, उसकी भी आप देख लें कि मास्क हम कैसे। अच्छा, हमने अपनी क्लाइंट को पॉलिशर लगा दिया है, रोज़ वाटर के पैड्स भी उसकी आंखों पर रख दिए हैं। अब हम अपने क्लाइंट को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी की स्किन में 5 मिनट भी पॉलिशर हो जाता है, आप उसको चेक करते रहेंगे। इस वक्त मैं ये मिनरल मास्क यूज़ कर रही हूँ, ये हम लोग आफ्टर वैक्स भी यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह वैक्स की वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए। इतना जो है वो हम एक प्याली में निकाल लेंगे, ये बहुत है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर, और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो अप्लाई करने के लिए रेडी करेंगे, जितनी देर में हमारा क्लाइंट जो है वो पॉलिशर के लिए लेटा हुआ है। उसके बाद हमने इसको एक फ़ैन ब्रश के साथ थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है, और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम रेडी कर लेते हैं, जो हमने पॉलिशर साफ़ करने के बाद अपने क्लाइंट को लाजमी लगाना है। हमारा मास्क बस रेडी है। अब हम अपने क्लाइंट की ज़रा स्किन को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि वो क्या रिज़ल्ट आ रहा है। जिस ब्रश से हमने पॉलिशर अप्लाई किया था, उसी से ये जो हमारे साइड पे जो हेयर होता है ना, उस पर थोड़ा सा ब्रश हिला के चेक करेंगे। हमारा जो मामूली सा जो रुआ टाइप बाल होता है वो गोल्डन हो गया है, और थोड़ा सा बस इसको 5 मिनट का और टाइम देंगे तो जो थोड़ा सा हार्ड बाल है वो भी हो जाएगा। अब यहाँ इतना रिज़ल्ट आ गया है, तो इसका मतलब है हमारी चेक्स और नोज़ और ये एरिया जो सेंसिटिव है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हम अपने चेक्स के पास से इसको रिमूव करेंगे, नोज़ पे से रिमूव करेंगे, ये आपने रिमूव किया इसको। अब हम 5 मिनट के बाद ये पूरा फेस रिमूव कर देंगे। अब हम इसकी पूरी जितनी भी पॉलिशिंग लगी हुई है उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि हमारी जो क्लाइंट है उसका हेयर अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुका है, और ऐसा फील हो रहा है कि फेस पे बाल ही नहीं है। इसको पूरा साफ कर लें, फिर हम आपको इसका पूरा फेस दिखाते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया। अगर आप चाहें तो क्लाइंट का फेस वॉश भी करवा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई क्लाइंट पार्लर में आता है फेशियल और ये पॉलिशिंग वगैरह के लिए, तो हम उसको बार बार उठाते नहीं हैं कि आप जाएं मुंह धो के आएँ, बल्कि ख़ुद ही साफ़ करते हैं, और उनका जो बाउल होता है उसका पानी बार बार ख़ुद इसको चेंज करते हैं। ये अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आप एक दफ़ा फिर अपने पूरे फेस पर रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे, ताकि स्किन का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस हो जाए। और इसको टिश्यू पेपर से जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह टैबिंग करके फेस के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे। अब इसके बाद हम जो हमने मास्क बनाया है उस मास्क को पूरे फेस पर 15 मिनट्स के लिए अप्लाई कर देंगे। फेस मास्क जो हमने बनाया था उसको भी पूरे फेस पे जिस तरीके से हमने पॉलिशर अप्लाई किया था उसी तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करके 15 मिनट्स के लिए हम उसको
ड्राई होने तक, या 15 मिनट्स अगर ड्राई नहीं भी होता, बाज़ अवकात सीज़न ऐसा होता है कि मास्क ड्राई नहीं होता, या हमारी अपनी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कभी इतना हाई होता है कि ड्राई नहीं हो पाता, तो आप टाइम देख के पूरे 15 मिनट मास्क को टाइम दें, और कोशिश करें कि वो 15 मिनट्स आपका क्लाइंट लेटा हुआ हो और कोई बात ना करे, और दोबारा से आईज पे आईपैड रखकर उसको थोड़ा सा आंखों को भी रिलैक्स होने दें। चलिए जी, हम अपना मास्क साफ करेंगे। मास्क को हमेशा गीले स्पंज के साथ थोड़ा सा डैप कर लिया करें ताकि स्किन पे जो सूख जाता है वो रगड़ ना लगे, उसके बाद फिर साफ किया करें। पर इसकी बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट आया है पॉलिशिंग का, क्योंकि काफ़ी नीडी फेस था। एक दफ़ा फिर एज अ टोनर जो है वो रोज़ वाटर को यूज़ करना है। रोज़ वाटर गर्मियों में आपके पार्लर में मस्ट, हर बेड के ऊपर एक स्प्रे होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है एज अ टोनर आपके लिए बेस्ट है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब आप अपना क्लाइंट अगर दिन में है और उसको आप दिन में ये सारा कुछ करके भेज रहे हैं, तो आप कोई भी जो है आपके पास आफ्टर फेशियल केयर में सनब्लॉक वाली SPF 15 मोस्टली फेशियल में होती हैं, वो आप लगा के अपने क्लाइंट को भेज देंगे। VLCC के फेशियल का लास्ट स्टेप जो होता है नंबर 6, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सलोन में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये हम नॉर्मली थोड़ा सा लेके इतना सा और अपने क्लाइंट को लगा के, इसको हमने साफ नहीं करना, ये लगा के हमने इसको बस भेज देना है इधर कि आपका काम हो गया। अब आप ये देखें कि बिफ़ोर और आफ्टर में कितना ज़्यादा फ़र्क है, और ये होता है प्रोफेशनल तरीका जो सैलून में पॉलिशिंग की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू।